classmate. I hope that you are fine. You must have been enjoying this day at home, missing your teachers and praying for UNB school system teachers. Classmate, you know, in the past we have studied many kinds of chapters, lectures and poems as well. And I hope that you must have understood. It is very difficult to be understood and to make someone understand by the video. But you people are in the habit of listening me very carefully. So that is why it cannot be so much difficult for you today. Today we are going to discuss about an African village. An African village, अफ्रीका के गांव के बारे में, एशिया के बाद सबसे बड़ा बर्र आजम है जो कि कम से कम 30 कंट्रीज पे मुश्तमिल है। इसकी शुमार जो ताल्लुकात है वो काफी खराब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली हर कंट्री को अपना काम करना होता है, अपना कारोबार, अपना बिजनेस करना होता है। माजी में, यू मस्ट रिमेम्बर इन द पास्ट, इसको तारीख का सबसे बड़ा बर्र आजम कहा जाता था। दुनिया में हर जगह देहाती जिंदगी का जरात से बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। आप दूर नहीं जाएं, यू आर पाकिस्तान, यू नो वेरी वेल दैट पाकिस्तान इज अ फर्टिलाइजिंग कंट्री। हमारे पाकिस्तान में देयर आर मेनी विलेजेस जहां पे खेती बाड़ी की जाती है, जहां सब्जियां फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो वे ऑफ लिविंग है यहाँ के गाँव का वो थोड़ा मुख्तलिफ है। और अफ्रीकन विलेज का जो वे ऑफ लिविंग है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली एवरीवन हैज टू सर्वाइव। डज इट, वी आर सर्वाइविंग, बट इन पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी आर ब्लेस्ड। यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं, बरकात हैं, हमारी जो जमीन है वो बहुत जरफेस है, हम आसानी जानवरों को पाल सकते हैं, हमें पानी बहुत सा मैसर होता है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और अफ्रीका के तमाम मुल्कों में से सबसे ज्यादा गुंजान आबाद है। इसके ज्यादातर लोग जो हैं वो किसान होते हैं, जैसे कि नाम ही इसका विलेज से है तो ज्यादातर रहने वाले लोग कौन हैं, वो किसान हैं। और उनका ज्यादातर काम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो डेफिनेटली खेती बाड़ी करना है। लेकिन जैसे जैसे ये शुमाल की तरफ बढ़ता चले जाता है तो इसके जो जंगलात है वो वहाँ और भी मजीद फैलते चले जाते हैं, हर तरफ जंगलात ही जंगलात। अफ्रीका तो वैसे ही जंगलात के नाम से मशहूर है। और जो खासतौर पर जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो कई जो मूवीज बनाते हैं उनको अगर जंगल का मंजर चाहिए होता है अपने सीन में, अपनी फिल्म में, तो वो करते क्या है, वो अफ्रीका जाते हैं और वहाँ के जंगलात को कैप्चर करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। इस बारे में तो आपको पहले से मालूम होगा। ये देहात हमारे देहातों से मुख्तलिफ है। नाइजीरिया का एक गांव एक दर्जन से तीन दर्जन तक मुश्तमिल होता है, जबकि हमारे जो गांव है पाकिस्तान, कराची, पंजाब वगैरह के, उसमें 40, 50, 60, 70, 80, 200, 2000 तक मकानात हो सकते हैं। लेकिन नाइजीरिया जो के जो मकानात होते हैं, के गांव में जो मकानात होते हैं वो कच्चे बने हुए होते हैं और वो मकानात एक से तीन दर्जन यानी कि 48 घर से ज्यादा वो लोग नहीं बना सकते। ज्यादातर वो झोपड़ियां बनाते हैं और जो भी झोपड़ियां होती है उसकी जो भी दीवार होती है वो लकड़ी की झाड़ियों की, छत भी जो है लकड़ी की झाड़ियों की बनाई जाती है। पहले किसान की झोपड़ी एक कमरे पर मुश्तमिल होती थी, ये बड़ी सादगी से तामीर की जाती थी। दरख्तों की शाखों को काटा जाता था, उसका दायरा बनाया जाता था, उसको जमीन में लगाया जाता, इन शाखों को ऊपर से मिला दिया जाता था और मजबूती से बांध दिया जाता था। इस तरह एक महूती शक्ल इख्तियार हो जाती जिसको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता। अगर आप इसको दूर से देखें तो आपका दिल चाहे कि कुछ दिन अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मैं इस गांव में रहूं, ताकि मेरे जो एनवायरनमेंट का माहौल है, जो मेरे इनर साइड का माहौल है और जो मेरा आउट साइड का माहौल है वो थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छा, जो छोटी सी झोपड़ियां बनाते हैं इसमें क्या करते हैं, वो एक तरफ एक जगह छोड़ते हैं, होल छोड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है बिजली तो है नहीं वहां पे, बिजली तो दस्तियाब नहीं गांव में, तो उससे सूरज की इतनी रोशनी दाखिल होती है उससे पूरा घर
उनका मेंटेन हो जाता। जैसे ही दरवाजा खोलते, दरवाजे के सामने बड़ा सहन होता और सहन में खावती अपने खाने पकाने का इंतजाम करती, किचन वगैरह सब सहनों में होते हैं, किचन हो गया, वॉशरूम होता है, सहन बड़े बड़े सहन होते हैं और बच्चे उसी सहन में खेलते हैं। एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, जरतेजी होती है, हरियाली होती है, पीपल कैन एंजॉय। बट ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, अफ्रीका गुर्बत के हवाले से बहुत मशहूर है। जितने भी एनजीओ दुनिया में होती हैं, वो ज्यादातर अफ्रीका का विजिट करते हैं, वहाँ के विलेजेस का विजिट करते हैं, उनकी जरूरियात को पूरा करती हैं। और अगर किसी एनजीओ को कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है, कोई वीडियो बनानी होती है या कुछ बांटनी होती है, बांटने के लिए वो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी अफ्रीका ही जाते हैं, वहाँ के गाँव में जाते हैं, उस वीडियो को कैप्चर करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम किस तरह गरीबों की मदद करते हैं। बहरहाल हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अफ्रीकन विलेज के बारे में। घर का सहन तमाम सरगर्मियों का मरकज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। Definitely, we have been discussing about an African village. I was talking about that which villages homes are present in African village. जो कोई भी लोग अपने घरों में रहते, अपने गांव में रहते, वो अपने घर के करीब ही अपनी सरकारी जमीन रखते, वो उसी जगह रहते जहां पे उनके सरकारी जमीन होती। जैसे कि मेरा घर है, मेरे सामने मेरा खेत है, यानी कि मैं दूर पैदल नहीं जाऊंगा सफर करके, मैंने वही आसपास में खेती बाड़ी करनी है और वहीं से अपनी फसल को काटना है और उसको वहीं आसपास सेल कर देना है। जैसा कि आपको मालूम होगा, पाकिस्तान में जो भी विलेजेस हैं, ड्यू टू अलमाइटी अल्लाह ब्लेसिंग, हमारी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा जरखेज होती है और उस जरखेज जमीन में हम बआसानी मवेशियों को भी पाल सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं। लेकिन अफ्रीका में होता क्या है कि वहां पे एक वायरस पैदा होता है, एक कीड़ा होता है, वो किसी भी जानवर को इस तरह नहीं पाल सकते। जैसे कि हमारे यहाँ भैंसों के बाड़े होते हैं, हम बकरियों वगैरह को पाल सकते हैं, उनका बेहतरीन कारोबार कर सकते हैं। ये मेरा गांव है, ये मेरी जरखेज जमीन है जहाँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ और यहाँ मेरे जानवर है, यहाँ मेरी गाय भैंसें बकरियाँ हैं जिनको मैं मखसूस दिन में सेल आउट कर सकता हूँ। लेकिन अफ्रीका में होता क्या है कि वहाँ पे एक वायरस कीड़ा पैदा होता है जिससे वो जानवर को डसता है और जानवर कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, जिसकी बिना पर वो लोग जानवर नहीं रह सकते। वो तमाम जो खेती बाड़ी के काम है वो उनको अपने ही हाथों से करने पड़ते हैं। इवन कि अगर उनको कुछ लोड करके कहीं ले जानी है तो वो अपने कांधे में रखेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे, गाड़ी वगैरह उनके पास कोई दस्तियाब नहीं होती। तो इसी तरह किसान की रिहायश जगह करीब जाहिर सी बात है, उसका जो है वो जरखेज जमीन होती है और इस जरखेज जमीन को आपको क्या करना होता है, जैसे कि मखसूस कंट्री का मखसूस कारोबार होता है, वो अपने कारोबार से पहचाने जाते हैं। सऊदी अरब है, वो ऑयल के कारोबार से पहचाना जाता है। इजराइल है, वो गोल्ड के कारोबार से पहचाना जाता है। इसी तरह अफ्रीका जो है वो चॉकलेट के कारोबार से पहचाना जाता है, नारियल के कारोबार से पहचाना जाता है। इसकी जो बेहतरीन प्रोडक्ट कहलाती है पूरी दुनिया में, वो कोको बीन्स कहती है। कोको बीन्स जो है जिससे चॉकलेट बनती है, पूरी दुनिया में सब में ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अफ्रीका के कंट्री से चॉकलेट एक्सपोर्ट की जाती है, जिसकी वजह से जब भी अफ्रीका का नाम जहन में आता है तो उसके जहन में चॉकलेट का भी नाम जहन में आता है। आपने इस तरह की बहुत सारे क्लिप्स गूगल यूट्यूब पर भी देखे होंगे जिसमें अफ्रीका में जो है सब में ज्यादा जो काश की जाती है वो चॉकलेट और कोको बीन्स की ही की जाती है। ये जो आपको तस्वीर इस चैप्टर में दी गई है, ये मुकम्मल तस्वीर नहीं है किसी भी गांव की। अफ्रीका के ज्यादातर गांव उनकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो गांव हैं वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, जबकि अफ्रीका के जो गांव हैं उनकी लोकेशन और उनकी सूरत हाल वो चेंज होती रहती है। हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से पानी और जमीन बहुत अच्छी है, पानी बहुत मैसर होता है, जबकि अफ्रीका में ऐसा नहीं है। वो लोग जब बारिश होती है तो उसके लिए गड्ढे खोदते हैं और पानी जमा करते हैं, इसी तरह गुजारा करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में
बाद ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह इस चीज की प्रॉब्लम्स नहीं है। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, वेरी इजी चैप्टर था, समझने के लिए मुश्किल नहीं है। घर में इसको रीड आउट कीजिएगा, जोर से पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो Zoom क्लास में या सर मुस्लिम सेंसे कांटेक्ट कीजिएगा। रिमेंबर दैट मेंशन योर नेम इन कमेंट्स इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। यू आल्सो मेंशन दिस यू कुड बी गिविंग 5 मार्क्स इन हाफ एन एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम।